Welcome, guys, in Nohis Biology Classes. Today, I am going to discuss case based questions from human reproduction. Case first is with reference to the schematic representation of first spermatogenesis and second eugenesis, answer the following questions A to D. आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और ओ आपको दर्शाई गई हैं इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको फर्स्टली दिया गया है स्पर्मेटोगेन गोनिया, गोनिया कन्वर्ट हुआ है आफ्टर माइटोसिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में हुआ है फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के दौरान बनी है सेकेंड स्पर्मेटोसाइट्स सेकेंड स्पर्मेटोसाइट्स में हुआ है सेकेंड मियोटिक डिवीजन सेकेंड मियोटिक डिवीज़न के बाद आपको मिले हैं स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटिड उनको कहते हैं बेटा जो स्पर्म नॉन फंक्शनल होते हैं यानी अभी ये मेच्योर्ड नहीं हुए हैं ये जाते हैं स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर और फिर आपके पास बनते हैं स्पर्मेटोजोआ तो आप शुरू में लेकर चले थे एट पिब्रिटी वन सेल और आपको इस्पन मेटोजोवा में दिखाई दे रही हैं फोर स्पर्म यानी यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है कि एक सेल प्रोड्यूस करती है फोर स्पर्म को एम आई राइट स्टूडेंट देन आप इमेज देख सकते हैं आपने सेल लिया पहले उगोनिया उगोनिया में क्या हुआ है माइटोसिस हुआ है माइटोसिस के बाद बनी है प्राइमरी ऊसाइट प्राइमरी ऊसाइट में फर्स्ट म्योटिक डिवीजन हुआ है फर्स्ट म्योटिक डिवीजन के दौरान आप देख सकते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंडरी ऊसाइड देख सकते हैं और फर्स्ट पोलर बॉडी देख सकते हैं ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद बनती है और सेकेंड्री उइड में फर्दर डिवीजन हुआ है और इसके बाद बना है ओवम और सेकेंडरी पोलर बॉडी तो ये आपकी इस और ऊजेनेसिस आपको इस इमेज में डिपिक्ट की गई है दिखाई गई है उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो चार क्वेश्चन दिए गए हैं इस इमेज पर जो बेस्ड ऑन है उन्हें आपको सॉल्व करना है आंसर आपको इस इमेज के अकॉर्डिंग सॉल्व करने हैं एम आई क्लियर स्टूडेंट आई एम मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर वन सेकेंड पोलर बॉडी इज प्रोड्यूस्ड यानी सेकेंड पोलर बॉडी प्रोड्यूस्ड होती है ऑप्शन ए इज ज्यूरिंग फॉर्मेशंस ऑफ ओवम प्रियर टू फर्टिलाइजेशन ऑप्शन बी सून आफ्टर एंट्री ऑफ स्पम इन टू ओवम ऑप्शन सी इज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ग्रैफिन फोलिकल ऑप्शन डी इज एट द टाइम ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन तो आपको पता है कह रहे हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ओवम पीरियड टू फर्टिलाइजेशन यानी जिस समय ओवम की फॉर्मेशन हो रही है वो फर्टिलाइजेशन के अंदर जाएगा तब होगा बी ऑप्शन में कह रहा है सोन आफ्टर एंट्री ऑफ स्पम इन टू ओवम यानी जैसी ओम बनेगा उसके अंदर क्या होगी एंट्री हो जाएगी स्पम की तो बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के लिए आप ऑप्शन बी पिक करेंगे फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आई एम मोविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी ओवा आर फॉर्म्ड इन ह्यूमन फीमेल्स यानी ह्यूमन फीमेल्स के अंदर कितने ओवा बनते हैं चार ऑप्शन गिवेन है देख लेते हैं क्या क्या दिया है ऑप्शन में ए ऑप्शन इज वन एवरी मंथ यानी एक मंथ में एक ही बनता है हाँ बिल्कुल सही बात है एन सी आर टी में भी साफ साफ दिया गया है एवरी मंथ वन ही एग और ओवा फॉर्म्ड होता है बी ऑप्शन में वन ओवम बाई ईच ओवरी एवरी मंथ ईच ओवरी में नहीं होता एक ही ओवरी प्रोड्यूस करती है एक ओवा को तो दोनों ओवरी प्रोड्यूस नहीं करती हैं तो बी ऑप्शन नहीं होगा सी में कह रहे हैं वन ओवम एवरी सेकेंड मंथ यानी सेकेंड मंथ के दौरान एक ओवम बनता है बिल्कुल गलत है डी ऑप्शन वन ओवम आफ्टर एवरी फिफ्टीन डेज फिफ्टीन डेज में बनता ही नहीं है भी गलत हो गया ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन आई एम मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइमरी ऊ साइड्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्वेल्व ओवा वुड इन्वार् बी कह रहे हैं प्राइमरी ऊसाइट्स कितनी इन्वॉल्व होंगी बारह ओवा बनाने के लिए तो अगर आपको बारह ओवा बनाने हैं आपने देखा जब आप ऊ जेनेसिस की इमेज में देख रहे थे तो एक ही सेल थी और एक से एक ही ओवा बना है यानी अगर आपको बारह ओवा बनाना है तो आपके पास बारह ही ओ साइट्स होनी चाहिए प्राइमरी ओ साइट्स तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन ट्वेल्व आई एम मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ हंड्रेड स्पम्स वुड बी यानी कितने प्राइमरी ओसाइट्स जरूरी होंगी सो स्पम बनाने के लिए तो आप स्पमेटोजेनेसिस की इमेज में देखिए आप एक सेल लेकर चले और एक से चार चार्पम बने हैं तो अगर आपको हंड्रेड स्पम बनाना है तो हंड्रेड स्पम हंड्रेड स्पम को आप फोर से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि अगर एक से चार बन रहे हैं तो हंड्रेड स्पम बनाना है तो हंड्रेड तो को आप फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा ट मल्टीप्लाई सॉरी आपको करना होगा डिवाइड फोर से डिवाइड करना है तो आपके पास आएगा 25. So, for this question, option D will be correct.